विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के 304 सब्जेक्ट कोड माइक्रोकंट्रोलर्स के अंदर आई एक टॉपिक माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर इनके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर दोनों सिमिलर टर्म्स भी हैं पर दोनों में अंतर भी है। तो माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली एक आईसी है, इट इज़ एन आईसी व्हिच हैज़ ओनली द सीपीयू इनसाइड देम, मतलब ओनली द प्रोसेसिंग पावर्स सच एज इंटेल पेंटियम आपने बारे में सुना होगा, पेंटियम 1, पेंटियम 2, 3, 4, कोर 2 डुओ, i3, i5, अब i7 ये सभी आने लग गए हैं। तो बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर एक आईसी है जिसके अंदर सिर्फ सीपीयू होता है, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इस माइक्रोप्रोसेसर में खुद की रैम, रोम और अदर पेरिफेरल्स एक चिप के ऊपर नहीं होते हैं। तो बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर डोंट हैव रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल्स ऑन द चिप। अ सिस्टम डिज़ाइनर हैज़ टू ऐड देम एक्सटर्नली टू मेक देम फंक्शनल। जो भी सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है उसको इस चिप के ऊपर एक्सटर्नली ये फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो फंक्शन कर सकें। एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इंक्लूड्स डेस्कटॉप पीसीज, लैपटॉप्स एंड नोटपैड्स। तो ज़्यादातर जितने भी हम घरेलू कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, ऑफिस में जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स या लैपटॉप या नोटबुक जितने भी यूज़ करते हैं उनके अंदर बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर्स का ही यूज़ होता है। दूसरी तरफ यदि हम चलते हैं माइक्रोकंट्रोलर की ओर, तो माइक्रोकंट्रोलर हैज़ सीपीयू इन एडिशन विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल्स ऑल एम्बेडेड ऑन सिंगल चिप। तो माइक्रोकंट्रोलर में माइक्रोप्रोसेसर से डिफरेंट भिन्नता है कि उसके अंदर जो आईसी या चिप है उस आईसी में प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, उसके साथ साथ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, रोम और अदर पेरिफेरल्स भी होंगे, उस सारे के सारे एक सिंगल चिप पे एम्बेडेड होंगे। एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज मिनी कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप। तो कई बार माइक्रो कंट्रोलर को मिनी कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप का भी नाम दिया जाता है। टुडे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसेस वेरियस माइक्रो कंट्रोलर्स विद वाइड रेंज ऑफ फीचर्स अवेलेबल इन डिफरेंट वर्जन्स। तो कई सारे माइक्रो कंट्रोलर आज की तारीख में डिफरेंट वेंडर्स द्वारा उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ वेंडर्स के मैं मान लेना चाहूँगा, कुछ मैन्युफैक्चरर्स के नाम लेना चाहूँगा, जैसे एमटेल है, माइक्रोचिप है, टीआई है, फ्री स्केल है, फिलिप्स, मोटोरोला, कई कंपनियाँ माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से काम आते हैं। आइए अब हम डिफरेंस देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में। तो मैंने अपने जो नोट्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले कर रखे हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। इसकी फ़ोटो मैं अपनी स्लाइड्स के थ्रू शेयर कर दूँगा। तो माइक्रो प्रोसेसर, इसका पहला पॉइंट है कि सीपीयू इज़ स्टैंड अलोन, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट एंड टाइमर आर सेपरेट। तो यहाँ पर जो आईसी है माइक्रो प्रोसेसर की उसके अंदर सीपीयू केवल होगा, रैम अलग होगी, रोम अलग होगा, इनपुट आउटपुट और टाइमर सभी अलग होंगे। जबकि दूसरी तरफ माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट एंड टाइमर्स ऑल आर ऑन सिंगल चिप। तो बेसिक डिफरेंस और सबसे बड़ा डिफरेंस पहला क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ सीपीयू एक चिप पर होता है, बाकी सभी चीज़ें अलग होती हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू हो, रैम हो, रोम हो, इनपुट आउटपुट हो, टाइमर कंट्रोलर हो, ये सारे के सारे एक सिंगल चिप में होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि डिज़ाइनर कैन डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ रोम, रैम एंड आईओ पोर्ट्स। तो बेसिकली अगर सीपीयू ही सिंगल चिप पे है तो जो डिज़ाइनर है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि कितनी रैम डालनी है, कितना रोम, कितने आउटपुट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स करने हैं, तो ये उसके हाथ में होता है। जबकि यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑन चिप रोम, रैम एंड आईओ पोर्ट्स, माइक्रो कंट्रोलर की स्थिति में ये डिज़ाइनर के हाथ में नहीं है, वो कोई बदलाव नहीं कर सकता, जो फिक्स अमाउंट है रैम, रोम या आईओ पोर्ट्स का वो रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और जबकि यहाँ पर क्योंकि एक सिंगल चिप्स पे है तो ये थोड़े से कॉस्टलियर कम होते हैं, साथ में साथ वर्सेटाइल भी होते हैं। ये बेसिकली तब काम में आते हैं माइक्रो कंट्रोलर जहाँ कॉस्ट, पावर
एंड स्पेशल स्पेस आर क्रिटिकल, जहाँ पे हमको बेसिकली कॉस्ट को बचाना हो, पावर कंजप्शन को बचाना हो और स्पेस को बचाना हो, तब हम माइक्रो कंट्रोलर के यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जनरल पर्पस कामों के लिए काम में आता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर कुछ खास कामों के लिए काम में आता है। माइक्रो प्रोसेसर में हाई प्रोसेसिंग पावर होती है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में लो प्रोसेसिंग पावर होती है। साथ ही पावर कंजप्शन भी माइक्रो प्रोसेसर में हायर होता है, जबकि यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के केस में ये लोअर होता है। इंस्ट्रक्शन सेट फोकस ऑन प्रोसेसिंग इंसेंटिव ऑपरेशंस, जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो बेसिकली किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोसेसिंग इंटेंसिव ऑपरेशंस, जबकि यहाँ माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शन सेट फोकस ऑन कंट्रोल एंड बिट लेवल ऑपरेशंस। टिपिकली जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो 32 या 64 बिट के उपलब्ध रहते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर 8 या 16 बिट के उपलब्ध रहते हैं। डीप पाइपलाइन होती है 5 से 20 स्टेजेस की, जबकि यहाँ पर सिंगल साइकिल या 2 स्टेज पाइपलाइन होती है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। धन्यवाद।